हेलो गाइस, दिस इज मी विशाल सिंह और आज हम करने वाले एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते किसे हैं। तो ये जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। पहले कि जब भी कोई केस होता है तो उसमें दो लोग होते हैं, एक जो केस कर रहा है और दूसरा जिसके खिलाफ केस किया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को हम स्टार्ट करने। हाय गाइस, दिस इज मी विशाल सिंह एंड यू वाचिंग मी एट द रेट ऑफ विशालग्राफी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये दोनों जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये लीगल टर्म्स है। तो जो मैंने लेमेंस टर्म्स में बताया था कि एक कंप्लेंट करता है, तो उसी को अब हम यहाँ पे लीगल टर्म्स में कहने वाले किसे कहते हैं। जब कोई कंप्लेंट करता है तो उसको कहते हैं प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस हुआ है उसको कहते हैं डिफेंडेंट। फिर से, जो कंप्लेंट करता है उसको कहते हैं प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस हुआ है उसको कहते हैं डिफेंडेंट। ये हो गया। अब हम ये करने वाले कि ये दोनों हर जगह पे होते हैं, सिविल क्रिमिनल समय दोनों ऐसे होते हैं? नहीं, ये सिर्फ सिविल में होते हैं कि जो कंप्लेंट कर रहा था उसको प्लेंटिफ कहते हैं और जिसके खिलाफ हुआ उसको डिफेंडेंट, सिर्फ सिविल केसेस में। और सिविल केसेस कहां जाते हैं? सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट में भी दो ही लोग होते हैं, या तो प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब जो प्लेंटिफ होता है वो किस किस चीजों के लिए क्लेम करता है? वो अपना फिजिकल मेंटल इमोशनल किसी भी टाइप का उसको टॉर्चर फील हुआ होगा तो वो उसके लिए कंपनसेशन मांगता है। अपने पहले तो फैक्ट्स प्रूफ फैक्ट्स डालता है उसके अंदर, जो अपने जो इश्यू डाल रहा है उसके अंदर क्लेम्स डाल रहा है उसको प्लेंटिफ फ्रेम करता है, एक अच्छी तरीके से कोर्ट में पेश करता है। और डिफेंडेंट का काम होता है कि उनको डिनाई करे, अगर उसको लगता है कि ये सारे फैक्ट्स गलत हैं तो उनको डिनाई करे। और जिस भी स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने नहीं डिनाई किया, जो प्लेंटिफ ने उस पर एलिगेशन लगाया उसको नहीं डिनाई किया, तो कोर्ट एज्यूम कर लेगा कि वो एक्सेप्ट करता है उसने ऐसा किया है। और चाहे तो डिफेंडेंट नए फ्रेश काउंटर क्लेम्स भी डाल सकता है, जैसे उसको लगता है नहीं इसने ये भी अपना कोई फ्रेश क्लेम वो भी डाल सकता है, काउंटर क्लेम भी डाल सकता है। तो ये तो होंगे ये दोनों चीजें। अब हमें ये पता करना है कि क्रिमिनल केसेस में कौन होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेके जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कोई देखता नहीं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्ट में इसको। अब हम क्रिमिनल में देखेंगे क्या इन दोनों का, ये जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये क्रिमिनल में कोई और हो जाते हैं, उनका कोई और नाम से कहलाता है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पर एक बार शॉर्ट में मैं समरी देता हूँ कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन होता है। जो कंप्लेंट करता है उसको कहते हैं प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ किया गया उसको कहते हैं डिफेंडेंट। और ये दोनों के दोनों सिविल केसेस में ही कहलाते हैं, क्रिमिनल केस में इन दोनों का नाम चेंज हो जाता है, इनको किसी और नाम से कहा जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दिस में विशाल सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।